हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बजट पेश किया गया। इस बजट को लेकर जहां भाजपा कार्यकर्ता गदगद नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं को यह बजट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। भाजपा कार्यकर्ताओं की माने तो प्रदेश की जयराम सरकार ने हर वर्ग को खुश कर दिया। हर वर्ग के विकास के लिए उन्होंने नए द्वार खोले हैं। इस बजट से कोई भी हिमाचल वासी निराश नहीं हुआ। उन्होंने इस बजट को लेकर जयराम सरकार को धन्यवाद दिया और शुभकामनाएं भी दी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बजट पेश किया गया। इस बजट को लेकर जहां भाजपा कार्यकर्ता गदगद नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस के नेताओं को यह बजट बिल्कुल भी नहीं भा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं की माने तो प्रदेश की जयराम सरकार ने हर वर्ग को खुश कर दिया। हर वर्ग के विकास के लिए उन्होंने नए द्वार खोले हैं। इस बजट से कोई भी हिमाचल वासी निराश नहीं हुआ है। उन्होंने इस बजट को लेकर जयराम सरकार को धन्यवाद दिया है और शुभकामनाएं भी दी है। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने टिप्पणी देते हुए कहा कि इस बजट से प्रदेश की जनता को केवल झुंझुनू देने का प्रयास किया जा रहा है। ये बजट प्रदेश हित में नहीं है। इस बजट से प्रदेश का विकास तो दूर, किसी भी व्यक्ति को कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। भाजपा जिला महासचिव भरत साहनी ने प्रदेश की जयराम सरकार को बेहतरीन बजट के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सोलन के कंडाघाट में उत्कृष्ट केंद्र विकसित करने के लिए 155 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया। ये सोलन वासियों के लिए बहुत बड़ी देन है। उन्होंने कहा कि बजट में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, किसान, बागवान, व्यापारी और सरकारी कर्मचारी सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया, जिसके चलते आज समूचा हिमाचल खुश है। विधायकों की निधि को बढ़ाया गया है। इन सभी निर्णयों ने यह साबित कर दिया है कि हिमाचल में डबल इंजन सरकार चल रही है, जिसके चलते हिमाचल का चहुंमुखी विकास हो रहा है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी को बधाई देना चाहूँगा। जिस तरह से बजट पेश किया गया है, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे किसान हों, बागवान हों, युवा हों, व्यापारी हों, एम्प्लॉइज हों, गृहणियाँ हों, सबका ध्यान रखा गया। और सोलन वासियों के लिए तो और भी खुशखबरी यह है कि 155 करोड़ रुपये का जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक्सीलेंस सेंटर वाकना घाट में देने की घोषणा की है और उसका बजट में प्रावधान किया गया है। एमएलएस की जो निधि है वो बढ़ा करके 175 करोड़ रुपए कर दी गई है, 1,75,00,000 कर दी गई है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा और पूरी प्रदेश सरकार को। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार हमारे प्रदेश में चल रही है, केंद्र में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में आदरणीय जयराम जी की सराहनीय काम कर रही है और अनेक वर्गों को इसमें, युवाओं को रोजगारों के लिए भी, जैसे अभी इन्वेस्टर मीट हुई थी धर्मशाला में, उसके 7 रिजल्ट आने शुरू हो गए और युवाओं के लिए रोजगार के दरबार भी खुले हैं। किसानों और बागवानों के लिए बड़ा प्रावधान किया गया है। इस तरह से पूरे वर्गों को लेकर के एक अच्छा बजट पेश किया गया है। मैं इसके लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ प्रदेश सरकार को। एक वही बजट के बारे में कांग्रेस पूर्व प्रवक्ता जगमोहन मल्होत्रा ने कहा कि बजट में लाखों रुपए की घोषणा तो कर दी, लेकिन ये पैसा कहां से आएगा ये नहीं बताया। बल्कि सरकार द्वारा ये जरूर कहा गया कि पैसा युक्तिकरण से आएगा, लेकिन युक्ति क्या है ये जाहिर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले बजट की जो घोषणाएं थी वे अभी तक पूरी नहीं की गई है। विद्यार्थी अभी तक लैपटॉप और फ्री वर्दियों को इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार करोड़ों का ऋण लेकर प्रदेश की जनता को खुश करने का प्रयास कर रही है। बजट से केवल आम जनता को घोषणाओं का झुंझुना दिया जा रहा है। कि कर्ज की पीते थे मैं और ये सोचते थे हम कि रंग लाएगी एक रोज ये फाका मस्ती हमारी। कर्ज से हिमाचल प्रदेश का भला होने नहीं जा रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि जैसे कल जो कर्ज लिया वो अगले 5 वर्ष और 9 वर्ष के लिए लिया के उसके बाद सरकार इनकी होगी नहीं, जो सरकार आएगी वो भुगतेगी। जब बजट में सबसे पहले, कोई भी बजट बनाने से पहले पैसे का प्रावधान किया जाता है, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम जी ने ये जो बजट दिया है इसमें ये नहीं बताया है उन्होंने कि जो वो घोषणाएं कर रहे हैं, जो मानदेय बढ़ा रहे हैं, जिन स्कूलों को खोलने की बात कर रहे हैं, जिन बच्चों को 1-1 लाख रुपया देने की बात कर रहे हैं, उस पैसे का प्रावधान कहां से होगा, वो पैसा आएगा कहां से। और क्या जो पिछले वर्ष के बजट में घोषणाएं हुई थी वो पूरी हो गई? अब ये कहा गया कि छात्रों के 1 लाख रुपया मेधावी छात्रों को देंगे, जिन छात्रों से लैपटॉप का वादा किया था, फ्री वर्दियां देनी थी, उनको क्या वर्दियां मिल गई या पूरे लैपटॉप मिल गए? ये कहा जा रहा है कि विदेशों से पैसा आएगा। भाई कौन लाएगा, कौन आ रहा है? और फिर एक और शब्द उन्होंने इसमें इस्तेमाल किया कि हम युक्तिकरण से पैसे का प्रबंध करेंगे। ये युक्तिकरण क्या है
किस प्रकार से युक्तिकरण होगा, किस प्रकार से पैसे का प्रबंध होगा, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो इस बजट पे यही लगा हुआ है कि पैसा कहां से आएगा। और जब पैसे का प्रबंध नहीं है तो कर्ज से सरकार चल रही है, लोगों को झुंझने देने की कोशिश कर रही है, बहलाने की कोशिश कर रही है, डिपो में राशन नहीं मिल रहा है, उसमें कटौती होती जा रही है, लोगों को सुविधाएं मिल नहीं रही है, सरकार कर्ज ले रही है।